चितरंजन रेलवे फैक्ट्री के कर्मचारी की 40 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौत। अनिस्क ने आसनसोल में अपना भव्य स्टोर फिर से लॉन्च किया। रानीगंज ट्रक मालिक संघ ने रिफ्लेक्टर वाली 400 जैकेट उपलब्ध कराई है। आसनसोल सीबीआई कोर्ट में अब्दुल लतीफ हुए हाजिर। सूचना का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज के द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार शेख अब्दुल लतीफ शनिवार सुबह फिर से आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए। शेख अब्दुल लतीफ सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण के बाद 27 अप्रैल को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए थे। अपने वकील के माध्यम से उन्होंने अदालत को बताया था कि वह जांचकर्ताओं को सहयोग करेंगे। गाय तस्करी के मामले में न्यायाधीश ने उन्हें 15,000 रुपये की सशर्त जमानत दी थी और शेख अब्दुल लतीफ को 6 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। आज शनिवार को शेख अब्दुल लतीफ आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए। शनिवार को आसनसोल कोर्ट के एक अधिवक्ता के निर्धन के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। गौरतलब है कि राजू झा की हत्या के समय भी उन्हें उनके साथ देखे जाने की चर्चा थी। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वैरायटीज ऑफ लेडीज वियर, मेंस वियर एंड सूट पीसेस आर आल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 03412221590। रेनबो बिग शॉप। चितरंजन रेलवे फैक्ट्री के कर्मचारी की 40 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौत। सूचना का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ के द्वारा। चितरंजन से पप्पन पाल के अनुसार चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर की मौत हो गई। इनका नाम रोहित कुमार शुक्ला है, उम्र 30 साल। वह शहर के 6 ग्रामीण क्षेत्र में 27वीं स्ट्रीट पर रेलवे क्वार्टर में रहते थे। ज्ञात हुआ है कि 5 मई को शाम 5:30 बजे के करीब वह फैक्ट्री में MTS दुकान पर क्रेन मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। अचानक वह करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिर गए। नतीजतन उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी और पैर टूट गया। तत्काल उनके साथियों ने रोहित को रेलवे अधिकारियों की मदद से चितरंजन KG अस्पताल पहुंचाया। वहां से रोहित को दुर्गापुर मिशन अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां 12 बजे उनकी मौत हो गई। इस बीच इस घटना को देखते हुए CRMC नेता इंद्रजीत सिंह कार्यकर्ताओं से और उन और अधिक जागरूकता के साथ काम करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को बिना जल्दबाजी के काम करना चाहिए और हमेशा उचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि रेलवे अधिकारी श्रमिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल, 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक, गार्नियर, एवर यूथ, निविया, सहनाज, मैमथ, O3 प्रोफेशनल, लोटस प्रोफेशनल, पतंजलि, जॉबिस, नेचर्स, मेंस ग्लो, प्लम, एम कैफिन, VLCC, गुड वाइब्स, ओला, फेम, ऑर्गेनिक, राजा, सुगर,
लैक्मे, वेवलिन, लोटस कलर, पॉन्ड्स, सिल्क, मैट्रिक्स, लोरियल, बेला एट्सेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। शरद पावर यू टर्न लेते हैं, वह एनसीपी प्रमुख बने रहेंगे। सूचना का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल के द्वारा। अपने भविष्य के कदमों पर अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह पार्टी अध्यक्ष के रूप में जारी रहेंगे। उन्होंने पार्टी में एक नया नेतृत्व बनाने के लिए ध्यान केंद्रित किया। श्री पवार ने कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पद अधिकारियों के और सहयोगियों की भावना का सम्मान रखने के लिए पार्टी पद छोड़ने के अपने फैसले को बदल दिया था, जो उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगा रहे थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे पहले दिन एनसीपी नेताओं की एक समिति ने पार्टी पद से श्री पवार के इस्तीफे को खारिज कर दिया था। समिति ने उनसे कम से कम 2024 की आम चुनाव तक पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहने का अनुरोध किया। अपने उत्तराधिकारियों को खोजने के लिए स्वयं श्री पवार द्वारा गठित समिति की मुंबई में एनसीपी मुख्यालय में सुबह 11 बजे बैठक हुई। समिति में अजीत पवार, सुप्रिया सूले पार्टी अध्यक्ष, प्रफुल्ल पटेल प्रदेश अध्यक्ष, जयंत पाटिल, छगन भुजबल और महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों के नेता शामिल थे। बैठक में श्री पटेल ने शरद पवार के इस्तीफे को अस्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और उनसे अपना निर्णय वापस लेने का अनुरोध किया। संकल्प सर्वसम्मानित पारित किया गया। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার পার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563404288 and 8918940868। हाउस वेल्डिंग की सेंटरिंग के दौरान करंट लगने से मजदूर घायल। सूचना का यह भाग प्रायोजित है मोशन के द्वारा। एक मकान की वेल्डिंग सेंटर करते समय एक मजदूर को करंट लगा। घटना कुल्टी थाने की पुराना सीतारामपुर की है। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया। सुबह सुनते ही नियामतपुर चौकी की पुलिस, कुल्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना घायल मजदूर को बाहर निकालकर अस्पताल आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्ञात है कि मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। घटना तब हुई जब घर बिजली के तार के संपर्क में आ गया। पिता सिबू घरानी ने कहा, मेरा बेटा यहाँ काम करने आया था, मुझे कोई खबर नहीं मिली, मुझसे मिले नहीं, अस्पताल लेकर चले गए। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। निस्क ने आसनसोल में अपना भव्य स्टोर फिर से लॉन्च किया।
सूचना का यह भाग प्रायोजित है एडुकेशनल हब के द्वारा। उद्घाटन के बाद तनिष्क हर खरीदारी पर सोने का सिक्का दे रहा है। यह 5 मई से 7 मई 2023 तक वैध है। 5000 वर्ग फुट में फैले इस स्टोर में सोने और हीरे के आभूषणों में लगभग 5000 से अधिक डिजाइन वाले विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की जरूरतें पूरी होती है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आयोजक। फोटो भी ले सकते हैं सर, साथ में अभी बोलोगे कि सर साथ में घर लेके जा सकते हैं सर, बात समझो। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि हमें हम 2014 में ये शोरूम हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे और इन 9 में हमें काफ़ी कंज्यूमर से काफ़ी प्यार मिला। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, हमारे जो डिज़ाइंस थे, हमारे जो ऑफर्स थे, हमारे जो कई सारे जो हमारा जो कस्टमर सर्विस था उसको उन्होंने पसंद किया और वही देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि आसनसोल का जो ये पहला शोरूम जो है उसको हम लोग और बड़ा करें। तो ये शोरूम बेसिकली हम लोगों ने 3500 स्क्वायर फीट से हम लोगों ने इसको करीबन 5000 स्क्वायर फीट का बनाया है और इसमें खास करके वेडिंग का जो कलेक्शन है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हुए इस जो बड़ा हुआ जगह है उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमें आसनसोल के वासियों का प्यार मिलता रहे, उनका जो प्रोत्साहन। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया की चाकू मारकर हत्या के मामले में दिल्ली कारागार विभाग ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल से 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। सूचना का यह भाग प्रायोजित है एसके इंफोकॉम के द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार पता चला है कि ताजपुरिया की हत्या कथित रूप से प्रतिद्वंदी गोगी के 4 सदस्यों ने मंगलवार तड़के की है। गिरोह दीपक उर्फ तित्तर, योगेश उर्फ टुंडा राजेश और रियाज खान, जिसने उन्हें 92 बार चाकू मारा। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घटना की विभागीय जांच कराई है और 9 कर्मचारियों की ओर से खामियां पाई गई है। इनमें से 7 सहायक अध्यक्ष और 4 वार्डन को निलंबित किया कर दिया गया है। हमने तमिलनाडु विशेष पुलिस बल के अधिकारियों के साथ बैठक की और वे अपने कर्मियों को विभागीय कार्रवाई करने पर भी सहमत हुए हैं। तमिलनाडु विशेष जेल के परिसर में सुरक्षा प्रदान करती है। सोशल मीडिया पर तिहाड़ जेल का एक ताज़ा CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित और दिखाया गया है कि ताजपुरिया की सुरक्षा कर्मियों के सामने भी हमला किया गया था जब वे उसे चाकू मारने के बाद ले जा रहे थे। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, प्लीज स्टेप इन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कलरफुल मैचिंग पॉपलिन रूबिया
फैंसी दुपट्टाज अदर फैंसी ड्रेस मटेरियल्स टीपी मार्केट आसनसोल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9635640000। 9 मई को खोला हवा कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता आ रहे हैं अमित शाह। सूचना का यह भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी के द्वारा। रविंद्र जयंती भारत के सांस्कृतिक कैलेंडर में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण दिन है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 मई को शाम 5 बजे साइंस सिटी ऑडिटोरियम में प्रसिद्ध सामाजिक संस्कृति संगठन खोला हवा द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी शामिल होंगे। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। BNM कोचिंग सेंटर कैंटीन पारा श्याम बांध बर्नपुर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9732022768 और 9732024247। बंगाल के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, चक्रवात मोर्चा हो रहा मजबूत। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से बना चक्रवात मोर्चा धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी कोलकाता में 2.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में भी लगातार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह जारी अपने बयान में बताया है कि आज भी सारा दिन कोलकाता के साथ ही हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है, इसलिए लोगों को बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। कोलकाता पुलिस समेत राज्य प्रशासन ने चक्रवात से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देशानुसार इन सभी क्षेत्रों में बारिश और आंधी तूफान से होने वाले नुकसान से बचाव की तैयारी की जा रही है। तटीय क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की भी तैयारियां शुरू कर दी। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। एंजल विद्या मंदिर अस्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस 8-10, 11-12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स बंगाली इंग्लिश ग्रेजुएशन ऑनर्स एंड प्रोग्राम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो थ्रू दैट। रानीगंज ट्रक मालिक संघ ने रिफ्लेक्टर वाली 400 जैकेट उपलब्ध कराई है। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज ट्रैफिक गार्ड द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि इस दिन सड़क जागरूकता में वृद्धि के साथ रात के समय पुलिस कर्मियों और नागरिक स्वयं सेवकों को सड़क पर नियंत्रण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है और ताकि वे किसी दुर्घटना में ना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए रानीगंज ट्रंक मालिक संघ की ओर से रिफ्लेक्टर वाली 400 जैकेट उपलब्ध कराई गई है। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. DK Lal sir, coaching for medical AIIMS entrance exams. For more information, contact 9832824975। मणिपुर वायलेंस में छुट्टी पर गए CRPF के कोबरा कमांडो की गोली मारकर हत्या, आयकर कर्मी भी हुआ हिंसा का शिकार। कोबरा बटालियन की डेल्टा कंपनी के कांस्टेबल चोंखेलेन हाओ की दोपहर करीब 2 से 3 बजे मौत हो गई। वही आयकर विभाग के सहायक कर अधिकारी लेमिन थोंग
हालोकीप की उनके सरकारी आवास के बाहर खींचकर मार दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 204वीं कोबरा बटालियन की डेल्टा कंपनी के कांस्टेबल चोंखेलिन हाओकीप की दोपहर करीब 2 से 3 बजे मौत हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि किन परिस्थितियों में कमांडो को मारा गया यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह समझा जाता है कि कुछ हमलावर पुलिस जैसी वर्दी में उनके गांव में घुसे और उनकी हत्या कर दी। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। सोचना कठिन है, इसलिए अधिकांश लोग न्याय करते हैं। Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.